हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्टुअल के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कब्ज के बारे में बात करेंगे। तो आजकल कब्ज की बहुत समस्या हो रही है जिसका मैं सॉल्यूशन लाई हूँ। तो आयुर्वेद में ऐसी औषधि और ऐसी जड़ी बूटियाँ है जो दो दिन में ठीक करती है। तो उसमें दस मुल्कवात को 10 जड़ी बूटियाँ की जड़ से तैयार किया गया है, जिनमें शोनाग, बिलुआ, गांभारी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी, अग्निमंत और गोक्षुर शामिल है। यह बढ़े हुए वात को खत्म करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सबसे सामान्य औषधि है, इसलिए कब्ज की समस्या में भी सुधार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस औषधि से वात के कारण हुआ दमा, भगंदर और खांसी का भी इलाज किया जाता है। इसके अलावा ये अस्थि संधिशोथ और संधिशोथ में भी इसका इलाज किया जाता है। दूसरा है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण एक प्रसिद्ध औषधि है। इस आयुर्वेदिक दवा में 3 फलों जैसे कि आमला की, विभीतकी और हरितकी चूर्ण मौजूद है। ये प्रमुख तौर पर जठरांत्र मार्ग को असर करती है और इसमें ऊर्जादायक, रेचक, सूजनरोधी, बढ़ती उम्र को रोकने के लिए और जीवाणुरोधी, किमों के रक्षा करने वाले, डायबिटीज रोधी और कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। ये पाचन को बेहतर करता है और खाने के अवशोषण और रक्त प्रवाह में सुधार लाता है, जिसमें अम्ला निष्कासन में मदद मिलती है और मल साफ हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और लाल रक्त के कोशिकाओं को और हीमोग्लोबिन के उत्पादन में बढ़ाता है। इसके अलावा हरितकी खंड, वेश्वनार चूर्ण, हिंगू त्रिगुणा चूर्ण, अभ्यारिष्ट, इच्छाभेदी रस, इसका भी हम कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कब्ज का इलाज या उपचार कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें है स्नेहन। स्नेहन में जड़ी बूटियों को गुणों से युक्त तेल से शरीर में मालिश की जाती है। और दूसरा है स्वेदन। स्वेदन में पसीना निकालने के लिए कई प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ये विषाक्त पदार्थों को उनकी जगह से हटाते हैं और उन्हें तरल में परिवर्तित कर देती है। तीसरा है विरेचन। ये एक सरल पंचकर्म तकनीक है जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर मल त्याग करे और शरीर की सफाई की जाती है। बस्ती, ये एक आयुर्वेदिक एनिमा चिकित्सा है जिसका प्रमुख तौर पर प्रयोग वात के असंतुलित होने पर किया जाता है। बस्ती क्रिया कब्ज के अलावा साइटिका, गाठिया, कमर में दर्द और सभी रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अब एक मैं नया वीडियो लेके आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।